नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक इंडिया, आप सभी का स्वागत है। आप कैसे पता करेंगे कि आपके इलाके के जितने वोटर्स हैं उनका डिटेल्स क्या है, कितने वोटर्स हैं आपके वार्ड में, उनके क्या डिटेल हैं। यदि आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए उन सारे लिस्ट का कि आपके वार्ड में रहने वाले कितने वोटर्स हैं, उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनका वोटर आईडी क्या है, उनका एज क्या है, और भी ज़रूरतें पड़ती हैं जब इलेक्शन होता है तो, और अपने वार्ड का ही नहीं इंडिया के किसी भी राज्य के किसी भी असेंबली असेंबली क्षेत्र के जो असेंबली एरिया है उनका कंस्टिट्यूएंसी जो है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, या कहीं का भी आप पता कर सकते हैं कितने वोटर्स हैं और उसमें आपका नाम है कि नहीं है, आपके फैमिली का नाम है कि नहीं है, ये जान सकते हैं। कभी आपका वोटर कार्ड खो जाए, कभी आपका वोटर कार्ड खो जाए किसी का और कोई डिटेल्स नहीं है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये वीडियो देखना, और ये वीडियो आप अंत तक देखिए और अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्तों को बताइए और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, होता है कभी कभी कि आपका वोटर कार्ड खो जाए या किसी का खो जाए, कोई कोई आपके पास कोई इसका फोटो कॉपी जीरोक्स तक नहीं है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए कि आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका वोटर आईडी का जो आईडी है, वोटर कार्ड का जो आईडी नंबर है, वो आपका नाम पता एड्रेस सब कुछ मिल सकता है। दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको जाना होगा, ECI.NIC.IN ये वेबसाइट है, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे इसकी मेन वेबसाइट पर चले गए, आप देख सकते हैं समय भी देख सकते हैं, डेट से देख सकते हैं यहाँ, और देख सकते हैं डॉक्टर नसीम जैदी जी इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो दोस्तों, एके ज्योति हैं इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट और सेकेंड हैं ओम प्रकाश रावत। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना होगा, इलेक्ट्रल रोल पे जाएंगे, ये मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आप जाएंगे लिंक टू PDF ई रोल्स पर जाएंगे। लिंक टू PDF ई रोल पर जाने के बाद यहाँ पे हर स्टेट दिया हुआ है, और जो 7 यूनियन टेरेटरी है उनका भी नाम इसमें है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, NCT, दिल्ली, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली सब दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम बिहार से शुरू करते हैं। बिहार का क्लिक किया और व्यू फाइनल रोल इन PDF फॉर्मेट, पब्लिकेशन डेट 10 जनवरी 2017 का लास्ट अपडेशन हुआ है, और ये सीधे आपको बिहार के साइट पर जाता है, सबसे अच्छी बात है। यहाँ से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हैं, जैसे आप किसी राज्य पर क्लिक करते हैं, चाहे किसी कहीं क्लिक करते हैं, यूनियन टेरेटरी भी क्लिक करते हैं, तो आपको ये सीधे भेज देता है उसके ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार। अब यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर एक फाइल और खुलती है यहाँ पर कि दोस्तों बिहार में जितने असेंबली सेगमेंट हैं उनका सबका दिया हुआ है डिटेल। यहाँ पर बिहार में इस समय 243 सीटें हैं, 243 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, असेंबली सेगमेंट है, आपको पता है यूपी में 404 होगा तो 440 होगा ऐसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन से नाम, पढ़ सकते हैं बारीकी से, यदि किसी का आई कार्ड खो गया हो तो बहुत बारीकी से देख लेगा। और चलिए हम शुरू करते हैं, 107 नंबर दरौली का है, एक बिहार में एक जगह है दरौली। अब यहाँ पर करने पर पार्ट नंबर है, इस दरौली को लगभग ये कंस्टिट्यूएंसी है, दरौली ML कंस्टिट्यूएंसी है, इसमें इसको जो है 273 वार्डों में बांटा गया है पार्ट में, ठीक है। तो हम कन्हौली कर लेते हैं, गांव है, और इसका व्यू कर लेते हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो गया PDF फाइल, और बहुत ही आसान है, यदि किसी का वोटर कार्ड खो जाए उसके लिए तो ये रामबाण है, और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे शेयर करिए, नॉलेज को शेयर करना चाहिए। और ऐसे भी आप चाहें तो ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, ज़रूरत है, आप जब वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि आपके लोग कितने का नाम है नहीं है, कभी कभी होता है पता नहीं होता है कि वो लिस्ट किसके पास है, वो आप खोजते हैं, परेशान होते हैं लोग,
अब ये पूरा पीडीएफ फाइल आपको मैं दिखाता हूँ खोल के, ये पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। 107 दरौली विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र की संख्या है 18, सिवान का ये। इसके बाद ये पूरा दिया हुआ है किस पार्ट का, कन्हौली मध्य पार्ट में है, इसका राजस्व हल्का 2 है, पंचायत थाना डाट, पूरा डिटेल दिया है उसका। और इसके बाद जो है इसका दरौली का वो बना हुआ है आपका फोटो गांव का, कैसे है गांव। अब ये दोस्तों यहाँ पे सबका डिटेल दिया हुआ है, सोच करिए। निशांत कुमार सिंह है, विद्याभूषण सिंह है, गृह संख्या 1 है, उम्र इतना है, लिंग इतना है, इतना लिया हुआ है इनका, ये इनका वोटर आई कार्ड है। तो ऐसे आपको इतना तो मिल जाता है, आपको कम से कम आईडी मिल जाती है, आपको नाम मिल जाता है, गृह संख्या मिल जाता है, ये काफ़ी है आपको नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए। और इस लिस्ट को भी ले जा सकते हैं कहीं और इस पर मार्क करा के आप अपना काम चला सकते हैं, ये इतना जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। तो उसको यहाँ से चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या कहीं सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे चाहे तो डेस्कटॉप सेव कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है इसको। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में नोटिफिकेशन बटन होता है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आपके पास मिलता रहे। और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई और नॉलेजफुल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वो टॉपिक भेजिए, वो प्रॉब्लम भेजिए, मैं उस पर रिसर्च करके सर्च करके आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियो में चाहता हूं कि जानकारी ज़्यादा हो। ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।